दोस्तों, पैसा ऐसा चीज़ है कि पैसा रहता है तभी कुछ होता है, नहीं तो नहीं होता। और आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आया है कि मैं कैसे उसको सामना करें, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और क्या आप लोगों से मैं बताएं, आज हमारे घर में मेरे बेटी का जन्मदिन है और पैसा ऐसा चीज़ है कि आप लोगों से क्या मैं बताए, पैसा सब कुछ करवाता है। पैसा रहे तभी कुछ होगा, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। और पैसा नहीं है दोस्तों, और वो रो रही है ताकि करिए कि हमारा बर्थडे क्यों नहीं मनता है। तो बताइए आप लोग मैं कहाँ से क्या करें, पैसा तो है ना मेरे पास। अब मिनिमम करने में दोस्तों 4-5 हज़ार रुपये लग जाती है, और मेरे पास अभी आज के डेट में 1000 रुपये भी नहीं है, 500 रुपये में कहाँ से करेंगे? और क्या आप लोग मुझे बताएं, बहुत दुख हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखते हैं माता रानी क्या करेंगे। और आप लोगों से मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ताकि आप लोगों से मैं बता देती हूँ कि पिछले हमारे 6 महीना का दिन हो गया है, मेरा चैनल बिल्कुल एकदम माइनस में हो गया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि माइनस का मतलब हमको उस चैनल को खड़ा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी दुख से मैं अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। आप लोगों को मैं क्या बताएं, सारा चीज़ मेरी वाच घंटा व्यू, और आप लोगों को बता देते हैं जो पैसा वाला भी है, मैंने चारों चीज़ मेरे एकदम बिल्कुल माइनस में चल रहा है इस टाइम। और माइनस में जाने के मतलब आप लोगों के मैं क्या ही बताएं, मुझे अब रुलाई के आगे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इतना मेहनत करते हुए भी आखिर क्यों हमारी वीडियो चल नहीं पा रही है, क्या ऐसा हमारे दिक्कत है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। और हर जगह से दोस्तों मैं दिखा रही हूँ, कोई पैसा मांग रहा है, कोई 20 हज़ार, कोई 25, कोई 30। बताइए कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और कहाँ से मैं इतना पैसा दूँगी। आज हमारे पास पैसा रहता तो आज खुशी का माहौल रहता, लड़की को केक लाते, 2-4 लोगों को इनवाइट करके बुलाते, केक काटते, पार्टी मनाते, मगर सब तो दोस्तों आज शिवम गया है अपनी बहन के लिए कुछ लाने के लिए, तो देखते क्या चीज़ ले गया। और इधर देखिए सच में आ गया, इधर देखिए क्या लेके आ रहा है, क्या लेके आए हो? 2 मिनट पीस। किस खुशी में? आज क्योंकि निशु आज जी के डेट में आज पैदा हुई थी, मतलब जन्म हुआ था। अच्छा, और ये कहाँ से पैसा आया? ये निशु ने दिया, सेविंग करके, 1 साल की सेविंग एक दिन में खत्म। कितना है पिज्जा का डब्बा? 4 है। 4 है। इस पैसा को उसको केक आता दोस्तों तो बेचारी काट लेते, उसकी मन खुशी हो जाता, मगर ये कोई नहीं सोचा। और आज हमारा दिल बहुत दुखी है। और इधर देखिए खाली पिज्जा आया है, बोले चलो आज तुम्हारा इस बार पिज्जे पे ही मैं बर्थडे मना लेते हैं, पैसा नहीं है। तो यही कहावत है दोस्तों कि गरीबों का कोई सहारा नहीं होता है, और ये इतना गरीबी आ गया है कि शायद आज पैसा रहता तो हम भी केक काटते, 2-4 लोगों के बुलाते, मगर क्या आप से बताएं हम। मैं बहुत अंदर से नॉर्मल हो गए, ताकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आंसू पूछ पिज्जा आया है और ये दे रहा है मुझे आंसू पूछने के। मत रो, मेकअप सारा छूट जाएगा। तो दोस्तों क्या बताएं आप लोगों को, मम्मी तो देख आज देखिए आप लोगों को मैं दिखा देते, गुलकोंडी आया है। ये लिमका है मम्मी, लिमका नहीं पढ़ने आता है, आता है ना। तो दोस्तों चलते हैं हम भी खा पी लें, तो खा के आपको डब्बा दिखाएंगे।